जी आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर एम्फीबियंस का ही है। एम्फीबियंस में नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस की जो है वो हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम कैसे होता है और सेंसरी ऑर्गन जो है वो किस तरह के होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम जो है बेटा उसी तरीके से जैसा कि वर्टिब्रेट का एक प्लान है नर्वस सिस्टम का, कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ब्रेन जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। तो उसी तरह से हमें इनका जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो हमें नज़र आता है। सेम उसी वे के अंदर उसी प्लान में जो है वो इनका नर्वस सिस्टम होता है। जो नए आ रहे हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे ताकि आपका वो जो अटेंडेंस है वो मार्क हो सके। एम्फीबियंस का नर्वस सिस्टम जो है अगर हम देखें बेटा, तो एम्फीबियंस का नर्वस सिस्टम जो है वो उसी तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है। और ब्रेन जो है बेटा उसको हम उसी तरह से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन जो होता है इसमें ज़्यादातर जो मेन डोमिनेंट हिस्से जो है हमें नज़र आते हैं उसमें ऑल्फैक्ट्री सेंसेस सेंटर जो है वो होते हैं। ऑल्फैक्ट्री सेंसर जो सेंटर जो होते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन। मीन के स्मेल की जो स्मेल की जो सेंस है उसके साथ ये अटैच होते हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो है ये विजरल सिस्टम जो होते हैं, विजरल फंक्शन जो होते हैं बॉडी के, विजरल रीजन्स मीन विजरल फंक्शन, विजरल पार्ट्स वो होते हैं जो स्मूथ मसल से बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया है, ठीक है, जो कि जो जो विजरल स्मूथ जो मसल्स हैं उनसे, जो हम कहते हैं कि थर्ड लेयर जो एंडोडर्म है उससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं, सॉरी मीजोडर्म से बनते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है डेवलपमेंट के दौरान, सो मीजोडर्म से जो बन रहे होते हैं दीज आर द विजरल सिस्टम। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है बेटा इसको मिड ब्रेन है बेटा, मिड ब्रेन जो है इसमें ऑप्टिक टेक्टम, ऑप्टिक ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है वीएम के साथ। तो इसमें जो ऑप्टिक टेक्टम जो है वो पोर्शन होता है, और ये पोर्शन जो होता है बेटा ये जो मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको इनिशिएट करता है, और ख़ास तौर पर जो विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो उसको ये कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन है बेटा, हाइंड ब्रेन जो होता है बेटा ये रेस्पायरेशन वगैरह हो गई है, उसके अलावा जो बैलेंस वगैरह हो गया है तो उसको ये जो है वो रेगुलेट करता है, उसको जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है। सो ब्रेन ऑफ द एम्फीबियन दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज द स्टार्ट फ्रॉम द हाइंड ब्रेन, और बॉडी के अंदर जो है वर्टिबल कॉलम के अंदर जो है वो मूव करती है, और लोअर पार्ट जो है उनको जो कनेक्ट करती है विद द ब्रेन। सेंसरी अगर हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो सेंसरी रिसेप्टर जो है, क्योंकि एम्फीबियंस जब हम बात करते हैं तो ये पानी के अंदर भी अपनी लाइफ का कुछ पोर्शन गुजारते हैं, लाइफ गुजारते हैं, और ये लैंड के ऊपर भी गुजारते हैं। तो इनके अंदर हमें सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो दो दो तरह के नज़र आएंगे, जो कि पानी के अंदर जो है वो भी यूज हो, और जो लैंड की इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी जो है वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनमें पहला जो है लेटरल लाइन सिस्टम है। लेटरल लाइन सिस्टम हमने फिश के अंदर, पाइसेस के अंदर जो है, फिशेस के अंदर डिस्कस किया था कि बॉडी जो है बेटा उसमें डॉर्सल साइड से, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पर जो है एक लाइन है, ओपनिंग्स होती हैं उनके अंदर, अंदर कैनाल हैं, और वहाँ पर जो है पानी की लहरें जो हैं, जो पानी के अंदर करंट पैदा होती हैं तो वो पानी इंटर होता है उन ओपनिंग्स के ज़रिए से, और अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं तो वो उसे डिटेक्ट करते हैं। तो वो पानी की वाटर करंट्स जो होती हैं
उससे पता चल जाता है कि ये लार्जर साइज का जो एनिमल है उसकी वजह से ये वाटर करंट्स जो है वो बड़ी बड़ी हैवी किस्म की, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जनरेट हुई है, या अगर कम जनरेट हुई है, लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की जनरेट हुई है, तो वो जो है कोई छोटा एनिमल जो है। तो इस तरह से प्रे और प्रीडेटर के दरमियान में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाइसेस के अंदर जो है वो हमें नजर आता है। सेकेंड वन दैट इज दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे ऑल्फेक्शन है, सेंस ऑफ स्मेल है, नेजल एपिथीलियम है या माउथ की एपिथीलियम है जिससे जायका है, टेस्ट है, उसके बारे में पता चलता है। टंग के ऊपर ये सेल्स हो सकते हैं, नेजल कैविटी के अंदर हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्मेल को जो है, क्योंकि स्मेल दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द केमिकल्स विच आर रिलीज इन टू द एयर, एयर के अंदर जो रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से होती है। अब ये केमिकल जब हमारे रिसेप्टर तक या इन वर्टिब्रेट्स के रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं तो ये उन्हें डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा सर्टेन केमिकल रिसेप्टर्स दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर भी जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑल्फेक्शन का जिक्र किया गया है कि ऑल्फेक्शन जो है बेटा मुख्तलिफ केमिकल के ज़रिए से जो है वो, जैसे मेट है, मीन मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है तो वो उस वक्त एक दूसरे को रिकोगनाइज करते हैं उस ऑल्फेक्शन के ज़रिए से। और इसी इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं कि पानी के अंदर कोई केमिकल आ गया, वो केमिकल जो है वो टॉक्सिक है, डिफरेंट टाइप का है, तो उसे ये डिटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड है, तो फूड की लोकेशन भी ये सेंस ऑफ स्मेल के ज़रिए से, ऑल्फेक्शन के ज़रिए से वो ये जो है वो करते हैं। सो कीमो रिसेप्टर जो है वो हमें नज़र आते हैं। उसके बाद वीएन है, वीएन जो है बेटा अगर हम देखते हैं आई जो है दैट हेल्प इन द वीएन, आई जो है वो वीएन के अंदर जो है बेटा हेल्प करती है। और क्योंकि ये साइड फीडर्स होते हैं, ये अपने जो प्रे है उसे देखते हैं और देखने के बाद फिर उसको फूड के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। सो साइड फीडर होते हैं, सो दैट्स वाई इनके अंदर आई जो है वो वेल डिवेल्प होती है, वीएन जो है वो इनकी उस पर ये डिपेंड करते हैं, उसके ज़रिए से अपनी फूड जो है वो जो है हासिल करते हैं। तो इनमें जो है डिफरेंट टाइप्स के रोकेशन आती हैं आई के अंदर। अगर हम ए न्यूरॉन्स की आई को देखते हैं बेटा तो ज़्यादातर ये फ्रंट साइड पर होती हैं और बाइनोकुलर वीएन देती हैं। बाइनोकुलर वीएन से मुराद ये है कि दोनों आँखों के ज़रिए से ये देखते हैं मुख्तलिफ पोर्शन को। सो बाइनोकुलर वीएन जो है वो इनमें जो है वो हमें बाइनोकुलर वीएन जो है वो हमें नज़र आती है, और इसके ज़रिए से ये अपनी जो प्रे है उसे इजीली जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है बेटा जो लोअर आईलिड है, जो लोअर आईलिड है वो तकरीबन ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, उसे हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन के ज़रिए से अपनी आई जो आई बॉल है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो है बेटा आई बॉल, अब ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कैसे काम करती है कि ये अपनी जो आई बॉल है उसको रिट्रैक्ट करता है इनटू द आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट के अंदर, और लोअर जो आईलिड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो इनकी आई बॉल के ऊपर जो है वो आ जाती है। स्पेशली जब ये वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उस वक़्त ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो इनकी आई की जो है वो प्रोटेक्शन करती है। और उसके अलावा जो है ये इस नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन को मूव कर रहे होते हैं जो कि जो डस्ट पार्टिकल हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उनको वो रिमूव करती है, वो जो है उनकी आई है उससे महफूज रहती है। इनमें ऑर्बिटल ग्लैंड होती हैं जिन्हें हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। बेटा अपने जो ये माइक हैं इनको म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ना आए और बाकी के लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
तो ये ऑर्बिटल ग्लैंड्स या लैक्रिमल ग्लैंड जिसे हम कह देते हैं, तो ये ऑर्बिटल ग्लैंड जो होते हैं ये लुब्रिकेट करते हैं सेक्रेशन, जैसे हमारे अंदर टीयर ग्लैंड होते हैं वो टीयर पैदा करते हैं, तो ये इसी तरह के आई ग्लैंड जो हैं इनकी ऑर्बिट के अंदर होते हैं, ऑर्बिटल ग्लैंड जिन्हें हम कह देते हैं। तो ये ऑर्बिटल ग्लैंड जो हैं ये इनके जो है लुब्रिकेशन यानी कि सेक्रीशन जो है वो रिलीज करते हैं, और वो सेक्रीशन जो है वो आई वॉल को लुब्रिकेट करती है। अच्छा बेटा, मैसेज साथ के साथ मुझे करते रहेंगे आप लोग, ताकि मैं उसे सेव कर लूँ, जो जो नए आ रहे हैं वो लोग जो है। तो ये आई ग्लैंड और आई लिड जो हैं, ऑर्बिटल ग्लैंड और आई लिड जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं जो आई है उसको, ठीक है। अब इनकी अगर हम आई को देखते हैं बेटा, तो इनका जो लेंस है वो तकरीबन राउंड होता है इनका। ये आगे हम एक डायग्राम देखेंगे। सो इनका जो जो इनका आप कह लें कि इनका जो लेंस है वो नियर अबाउट राउंड होता है, ठीक है। और बाहर की तरफ जो है कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ऊपर जो है वो आयरस होता है, और आयरस के दरमियान में एक ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपल जो है वो कह देते हैं। अभी अगली स्लाइड देखें हम, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये देखें, दिस वन दैट इज़ द लेंस, ये लेंस है बेटा, और ये येलो कलर का ये एक्सटेंशन जो है ये आयरस है, और आयरस के दरमियान में यहाँ पर ये गैप जो है दैट इज़ द प्यूपिल, और ये बाहर की तरफ जो है ये कॉर्निया है, और यहाँ पर लोअर आईलिड है, ये अपर आईलिड है, और लोअर आईलिड पे यहाँ आपको नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। और ये सस्पेंसरी मसल्स हैं जिनके जरिए से ये लेंस जो है वो अटैच है, और ये चैम्बर्स हैं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, और ये अंदर वाली लाइनिंग जो है बेटा ये रेटिना होती है, ये ब्लू वाली लाइनिंग जो है, और उसके साथ ही ये पिंक सी लाइन जो है, लेयर जो है, ये कोराइड होती है, और उसके ऊपर जो है वो सेक्लेरोटिक लेयर जो है वो है, और ये ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये सेक्लेरा लिखा हुआ है, ये ब्राउन सी जो लेयर है, कोराइड लिखा हुआ है जो पिंक रेड पिंक सी लेयर है, और रेटिना जो है वन, और रेटिना के अंदर जो है वो रॉड और कोन सेल्स जो है वो हमें नज़र आते हैं। अब इनके अंदर क्योंकि रॉड और कोन सेल नज़र आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हैं किसी हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कलर्स के अंदर, क्योंकि रॉड सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं लाइट इंटेंसिटी के अंदर, और जो कोन सेल्स होते हैं वो कलर के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। अब क्योंकि इनमें कोन सेल्स हमें नज़र आते हैं, तो ये कलर के अंदर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं अभी तक ये जो है वो अनक्लियर है, ये क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर फोकसिंग अगर हम देखें कि किस तरह से ये जो है बेटा फोकस करते हैं, यहाँ पर हम देखें तो लाइट जो है ऑब्जेक्ट सामने होता है, कहीं पर भी दूर है या नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो है वो रेज आती हैं, जैसे हमारे अंदर हमारी आई का एक उसूल है कि रेज जो है सन लाइट की रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो है कॉर्निया से इंटर होती हैं आई के अंदर, तो क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है, एयर मीडियम से वो अंदर ऑर्गन के अंदर इंटर हो गई हैं, तो उसकी वजह से इनमें बेंडिंग होती है, और फिर ये लेंस जो है वो उनको फोकस करता है रेटिना के ऊपर, तो वहाँ पर रॉड और कोन सेल होते हैं, वो उसे डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद जो है बेटा वो उससे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वो बनता है रेटिना के ऊपर, और फिर वो ऑप्टिक नर्व के जरिए से ब्रेन तक जाता है, और फिर एम्फीबियन जो है उसे देखता है उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को जो उसकी आई के सामने जो है वो होती है, सेम जिस तरह से हमारे अंदर जो है वो होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि इन सम केसेस जो सस्पेंसरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और जो लेंस है उसकी वो थिक और थिन होता है, एंड सम टाइम जो है
वो आई जो है उसकी मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, और उसके ज़रिए से ये फोकस करते हैं प्रे को या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहे हैं। तो इस तरह से इनमें जो है वो फोकसिंग होती है कि ये इस तरह से फोकस करते हैं चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें रॉड और कोन सेल्स की हमने बात कर ली है, रेटिना की बात कर ली है, और हमने कलर कलर वियन की बात कर ली है कि इनमें कलर की वियन होता तो है लेकिन अभी जो है वो हम इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकते। ये जो होते हैं बेटा एम्फीबियन जो होते हैं वो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्रे के अंदर शेडो कहीं पर नज़र आ रही है तो शेडो से ये प्रीडेटर को पहचान लेते हैं कि प्रीडेटर अप्रोच कर रहा है, वो आ रहा है। इसके अलावा अगर ग्रासेस वगैरह के ब्लेड हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है कि वो मूव करते हैं आगे की तरफ और फिर बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं विंड की वजह से, तो उनमें ये इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वीएन के ज़रिए से। उसके बाद जो है ऑडिटरी जो सिस्टम है उसकी बात की है कि इनमें जो है बेटा इनके अंदर जो है एयर जो है, अगर हम ए न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो ए न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो ऑडिटरी सिस्टम एयर जो है वो मौजूद होता है, और वो एयर जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बाहर एपी जो इंटेगुमेंट है जो स्किन है उसकी लेयर आ जाती है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह देते हैं। ऐसे एक्सटर्नल एयर नहीं होता जैसे हमारा होता है एयर पीना जो नज़र आता है, तो इनमें एयर पीना नहीं होता, इनमें एक्सटर्नल एयर जो है वो नहीं होता। तो एक मेम्ब्रेन हो जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है, और उसके बाद मिडल एयर है, और मिडल एयर के बाद जो है वो इनर एयर जो है अंदर वाला पोर्शन जो है वो आ जाता है। अब इसमें जो मिडल एयर है उसके अंदर जो है बेटा ऑसिकल्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन हमें नज़र आती है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड होते हैं उनको ये एयर से डिटेक्ट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मीन के 1000 to 5000 जो है हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एयर बॉर्न होती है। वो एयर जो है उसके अंदर वो वाइब्रेशंस जो हैं वो जनरेट होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो पहुंचती हैं मिडल जो एयर है उसमें और वहां से इनर एयर तक जाती हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती हैं उनको ये एयर से डिटेक्ट नहीं करते, वो सबस्ट्रेट वाइब्रेशन मीन के किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर मौजूद हैं, ये ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन जो है वो जनरेट होती हैं किसी के आने की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादातर जो होता है प्रीडेटर है, और प्रीडेटर जब प्रे के ऊपर अटैक करता है तो उस वक्त वो बहुत आहिस्ता पांव रखता है ताकि वाइब्रेशंस जो हैं वो जनरेट ना हो और वो जो प्रे है उसको पता ना चले। तो लो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस होती हैं 100 to 1000 हर्ट्ज की, तो वो सबस्ट्रेट बॉर्न होती हैं, और ये सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस जो होती हैं ये इसकी फोर लिम्ब्स के ज़रिए से, फोर लिम्ब्स के ज़रिए से जो सेकेंड बोन है ऑसिकल है उस तक ये पहुंचती है, और वहाँ से जो है बेटा ये फिर इनर ब्रेन के अंदर जो है वो इंटर होती हैं। तो ये जो ए न्यूरन्स हैं ये जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं उनको एयर से ये डिटेक्ट कर सकती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ज़रिए से, ठीक है। और वो जो है जो ऑसिकल फर्स्ट ऑसिकल है जिसे हम स्टेप्स कहते हैं, कॉलोमेला कह देते हैं, उसके ज़रिए से जो है वो इनर ईयर तक जाती हैं, ठीक है। और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती हैं वो ये सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस होती हैं, और वो 100 to 1000 हर्ट्ज तक उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको ये जो सबस्ट्रेट वाइब्रेशंस हैं उनके ज़रिए से ये डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है बेटा ये दोनों किस्म की जो है वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई है यहाँ पर, और यहाँ ये मिडल एयर है, यहाँ पर ये ऑसिकल दिखाई है बोन्स है, और उसके बाद जो है बेटा इनर एयर है, तो ये जो है ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है मिडल एयर और इनर एयर, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें इनका नज़र आता है, ठीक है।
उसके अलावा जो है बीटा ऑसिकल्स का लो फ्रीक्वेंसी साउंड और इनका जिक्र है, वो ही सारी चीज़ें। अब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कब जनरेट होती हैं, ख़ास तौर पर जब ये जो मेटिंग कॉल होती है, जब मेटिंग सीज़न आता है, बरसात का मौसम आता है, तो फिर ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं, और उन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को जो है ये डिटेक्ट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ज़रिए से, और फिर इनकी जो है बेटा क्योंकि वो एयरबॉर्न होती हैं, तो फिर इनकी जो है वो जो है इनका रिस्पांस जो है वो हमें नज़र आता है। जबकि जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, वो मैंने पहले बताया था कि प्रीडेटर जब इन तक अप्रोच करता है, तो वो जो है लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो हैं वो सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस के ज़रिए से ये डिटेक्ट करते हैं। जो स्लेमेंडर्स हैं, स्लेमेंडर्स में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर जो है वो नहीं होते, और ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही इनके अंदर मेटिंग कॉल्स जो है वो होती हैं। हाँ, ये जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती हैं, जो वाइब्रेशंस के ज़रिए से जो है बेटा जो सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस के ज़रिए से होती हैं, उनको ये डिटेक्ट करते हैं, और उनके ज़रिए से जो है ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है बेटा, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस, तो इनमें जो इनर एयर है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, जैसे हमारे अंदर होती हैं, और उनके अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। सो वो एंडोलिम्फ जो है उसके ज़रिए से ये बैलेंस जो है वो करते हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल के ज़रिए से ये बैलेंस करते हैं, और ये ग्रेविटी वगैरह जो है उसे डिटेक्ट करते हैं, और उसके ज़रिए से जो है बेटा ये जो बैलेंस है बॉडी का वो जो है उसके ज़रिए से जो है वो होता है। सो दिस इज़ अबाउट योर लेक्चर, आज का जो लेक्चर था वो है कि इनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, सेंसरी सिस्टम जो हैं उनके बारे में। आप लोग अच्छा जी, आप लोगों ने इसको कट करना शुरू कर दिया है, हम नींद के पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं खुली छोड़ देता हूँ यहाँ पर, कि आप लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं चीज़ों को, बट अब लगता ये है कि उन चीज़ों को जो है वो खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। जी बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और उसके बाद जो है हम इस कॉल इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे, चलें ओके। फिर आप लोग जो है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को जो है वो 8th सेमेस्टर का होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में लास्ट 3 डेज जो है वो आपका लेक्चर होगा, तो हम फिर उस वक्त जो है कंटिन्यू करेंगे फर्दर। ओके, अल्लाह हाफिज़।